विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में भारी भीड़ में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सोने के चैन साफ करने वाली पंजाब की महिला स्नेचर गिरोह को सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा है और उनसे श्रद्धालु महिला के सोने की चेन बरामद की। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जब झारखंड से आए श्रद्धालु अपने परिवार सहित माता जी के दर्शनों के लिए मुख्य द्वार के पास भीड़ में लगे हुए थे, उसी समय पंजाब की तीन महिला सिग्नेचर गिरोह के सदस्य इनके पीछे आकर भीड़ में लग गई और जैसे ही भीड़ आगे बढ़ने लगी उन्होंने बड़ी ही होशियारी के साथ लिफाफे से ढककर महिला के सोने की चेन गले से उड़ा ली। जैसे ही चेन उड़ाई महिला को भी पता चल गया और महिला ने अपने परिवार वालों को बताया। उसके बाद परिवार वालों ने शोर मचाया तो सुरक्षाकर्मी वहां पर आ गए। सुरक्षाकर्मियों ने घेरा डालकर लाइनों में महिला स्नेचर गिरोह के तीन सदस्य को पकड़ लिया और जब उनसे तलाशी की गई तो सोने की चेन बरामद हो गई। महिला गिरोह सदस्यों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर मंदिर न्यास के अधीक्षक तुलसी राम पहुंच गए और तुलसी राम ने कहा कि श्रद्धालु महिला की सोने की चेन बरामद हो गई है जो कि उसे वापस की जा रही है और इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है और इसकी गंभीरता से नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्मार्ट सिटी धर्मशाला की हवाओं में कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला धुआं घुल रहा है जिसके कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से ठंडी हवाओं की चाह में धर्मशाला पहुंच रहे पर्यटकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। नगर निगम धर्मशाला की डंपिंग साइट में कूड़े कचरे के ढेर में भयानक आग भड़क गई है। आग ने कुछ ही समय में इतना खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है कि समस्त आवो हवा को प्रदूषित कर दिया है जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां पहुंचे देशी विदेशी पर्यटकों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है और उन्हें सांस संबंधी बीमारियों से भी जूझना पड़ सकता है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में नियम धुआं धुआं हो रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के दावे हवा हो रहे हैं। शहर की डंपिंग साइट एक बार फिर से सुलग उठी है। हालांकि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों समेत नगर निगम के कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। इससे कोतवाली बाजार क्षेत्र में वातावरण दूषित हो गया है और क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही आग लगी तो अग्निशमन कर्मियों को सूचना मिलते ही टीम घटना स्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। साथ ही नगर निगम के महापौर देवेंद्र जग्गी व उपायुक्त संदीप कदम ने भी निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि आग डंपिंग साइट के नीचे जंगल में लगी थी और हवा चलने के कारण ये डंपिंग साइट की ओर बढ़ गई। दो वर्ष पहले डंपिंग साइट करीब एक सप्ताह तक सुलगती रही थी। हालांकि अग्निशमन विभाग ने आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया था लेकिन हवा चलने से ये दोबारा सुलग रही है। गौरतलब रहे कि नगर निगम धर्मशाला के डंपिंग साइट में कूड़ा संयंत्र पिछले एक दशक से खराब ही पड़ा हुआ है जिसे अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है और अब कूड़े कचरे में भड़की आग के कारण प्रदूषित धुआं हवाओं में जहर घोल रहा है जिससे आसपास के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इससे धर्मशाला के कोतवाली बाजार सुधेर जोनल अस्पताल सहित मैक्लोडगंज तक की हवा प्रदूषित हो गई है। संदीप कदम आयुक्त नगर निगम धर्मशाला ने कहा कि निचले क्षेत्र के जंगल में आग लगी थी और हवा चलने के कारण डंपिंग साइट तक पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग के साथ साथ नगर निगम के कर्मचारी भी जुटे हैं।
पद्मश्री व कबड्डी स्टार अजय ठाकुर ने परिवार सहित श्री नैना देवी माता के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ उनके पिता और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहे। पद्मश्री व कबड्डी स्टार अजय ठाकुर ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर कहा कि देश के लिए खेलना गर्व की बात है और जब कोई खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और भारत की टीम निश्चित रूप से वर्ल्ड कप विजेता बनेगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय टीम दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। अजय ठाकुर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत का मैच उन्होंने अपने ससुराल में अपने ससुर के साथ बैठकर देखा और हर कोई आज वर्ल्ड कप के समय में क्रिकेट का दीवाना है और मेरे ससुर भी क्रिकेट का काफी लुफ्त उठा रहे हैं और हमने हर बॉल हर शॉट का बहुत लुफ्त उठाया है। भारत की जीत पर हमने बड़ी खुशी प्रकट की है और मेरा विश्वास है कि भारत की टीम जीतेगी और वर्ल्ड कप हमारे देश में आएगा।